अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मोटापा घटाने के लिए क्या करते हो, तो आप बताएंगे कि हम बाहर वॉक करके आते हैं। आपके पास बहुत कम टाइम होता है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जल्दी से आप वॉक करने भी जाते हैं लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सरसाइज जो कि आपको अपने स्टेयर के पास करना है, जो जल्दी से सिर्फ 5-10 मिनट में हो जाएंगी और आप देखोगे उसका बेनिफिट जो आप आधे घंटे की वॉक करके आते हैं उससे 3 गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है। और फैट इतनी तेजी से बर्न होगा कि देखते ही देखते आपका फैट गायब होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है वो किस तरीके से आपने करने हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना फैट कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल से स्टेप बताने वाली हूँ जो कि आपको स्टेयर के साथ करने हैं। सबके घर में सीढ़ियाँ होती है, बस आपको वहां खड़े हो जाना है और ये स्टेप फॉलो करने हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर वॉकिंग से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, देखिए जब आप वॉक करते हैं ना एक टाइम के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए कल, आधे घंटे के लिए आज, आधे घंटे के लिए उससे अगले दिन, और एक ही स्पीड में करते हो, तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। फिर आपकी बॉडी पे कोई चेंज नहीं आने वाला, बॉडी को लगता है कि डेली जो काम आप करते हो उसी में शायद ये काम है आपका, आप अलग से कुछ भी बॉडी के लिए नहीं कर रहे हो, फैट घटाने के लिए नहीं कर रहे हो। तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल से स्टेप है और एक स्टेयर के पास जाके आपने करने हैं, बेनिफिट आपकी वो का उससे 3 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेप देखिए कैसे करना है। देखो घर में अगर बोतल है, डंबल है, कुछ भी वेट है उसको हाथों में लेना है, छोटे से छोटा कुछ भी आप ले सकते हो, जितना कम लोगे शुरू में उतना ही आपके लिए हेल्दी होगा, धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हो। तो जैसे मेरे पास ये डंबल, अब मुझे ये हाथों में रखना है, आपको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं, सिंपल आप हाथ में रखिए, इस तरीके से आपने रखना है और एक स्टेप ऐसे चढ़ना है और नीचे उतरना है। कम से कम 100 रेपिटेशन आपने करने, जैसे 50 रेपिटेशन मैं इस लेग से करूंगी, 50 रेपिटेशन मुझे इस लेग से करने हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। और आपके टमी पे देखना कि आपका टमी अंदर की तरफ स्क्वीज ऑटोमेटिक होगा, सांस आपकी ऑटोमेटिक फूलेगी, आपकी वॉकिंग जो आप करते हो उससे कहीं गुना ज्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी में नजर आ रहा होगा इसको करते टाइम। देखो ऐसे करना है और बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, फिर उतर जाना है, फिर दूसरी लेग से आप कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो एक लेग से आप करिए, पहले एक लेग को ऊपर रखिए फिर नीचे उतर जाइए, फिर उसी तरीके से उसी लेग को रखना है और वापस, ये आपके 3 रेपिटेशन ऐसे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अपने 50 करने हैं। और 50 रेपिटेशन आप दूसरी लेग से करेंगे, जैसे दूसरी लेग को पहले ऊपर रखेंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर हम नीचे उतार लेंगे, फिर से दूसरी लेग को ऊपर रखेंगे वापस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब ये एक्सरसाइज कहाँ कहाँ का आपका फैट निकालेगी, आपके टमी का जो लटकती हुई तोंद है सबसे पहले तो वो कम होने वाली है, फैट कितना भी ज्यादा है, थाई फैट कितना भी ज्यादा है वो बड़ी जल्दी कम होगी इन स्टेप के साथ। बहुत ही सिंपल से स्टेप है, ये आपने करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में एक लेग को ऊपर रखना है, दूसरी लेग को हल्का सा पीछे कर लीजिए और ऐसे आगे की तरफ हमें ऐसे मूव करना है, इस तरीके से करेंगे। देखो ये स्ट्रेच भी है एक तरीके से और इसमें हम एक्सरसाइज भी करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे रखना है, आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे साइड टू साइड ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही दूसरी लेग को यहाँ पे रखेंगे और इस लेग को थोड़ा और पीछे करिए, इस तरीके से रखिए खींच के बॉडी को ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशल आपका साइड फैट भी निकाल देंगे और आगे का टमी तो आपका कम होने ही वाला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस तरीके से पैर को रखना है, पीछे वाला लेग और पीछे करिए थोड़ा सा स्ट्रेट इस तरीके से, और आगे वाले लेग को ऐसे बैंड करके आगे की तरफ बढ़ाइए, हो गए। अब ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहले दिन ही इफेक्ट नजर आएगा आपको पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे, और आपकी कमर भी नहीं दुखेगी, कमर में आपको आराम मिलेगा। अगर हिप पेन है, किसी को लेग पेन है, उसमें भी बहुत आराम मिलेगा, उनका पेन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो घुटने के दर्द वाले हैं वो भी आराम से कर सकते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। अब ये आपने 10-10 रेपिटेशन करने हैं, 10-10 रेपिटेशन का एक सेट होगा, और अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप दूसरा सेट भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो एक एक सेट करेंगे तो भी काफी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, उसमें आपको ऐसे लेग को रखना है, थोड़ा आगे आ जाइए, एक लेग आपकी ऐसे स्टेयर के ऊपर रहेगी, एक स्टेप के ऊपर रहेगी, और हाथों को ऐसे रखना है। अब थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत है, इससे एक लेग को ऐसे ऊपर उठाना है, हाथों को पीछे ले जाना है ऐसे और वापस उतर जाना है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जिनकी कमर में दर्द रहता है, हिप्स में पेन रहता है, वॉकिंग करते हुए पेन बढ़ता है, उनके लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, वो लोग बिना वेट के कर सकते हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट दूसरे पैर से भी करेंगे इस तरीके से, इसको आगे की तरफ रखिए और हाथों को आगे रखना है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, देखो आप एक स्टेप ऊपर भी चढ़ते हो ऐसे, हल्का सा प्रेशर आपकी बॉडी पे क्रिएट होता है, फिर आप वेट को भी ऊपर उठा रहे हो, और फिर आपकी लेग्स पीछे वाली वो आगे आ रही है, उसकी भी मूवमेंट हो रही है, आपकी मसल तो मजबूत हो ही रही है, और मसल मजबूत होती है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता, एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपके मसल खाना मांग रहे हैं, अब आपके मसल ग्रो करना शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ऐसे एक पैर को ऊपर रखना है एक स्टेयर के ऊपर, हाथों में आपके वेट रहेंगे इसी तरीके से, आप ऐसे भी रख सकते हैं चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अब आपको ऐसे ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ऐसे ही हम दूसरे पैर के साथ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाओ, जब आप करोगे ना तो आपको फील होगा कि जैसे आप वॉकिंग करके आते थे, कुछ भी आपकी बॉडी पर असर नहीं आ रहा होता। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो इतना ज्यादा आपको असर दिखेगा अपने टमी के ऊपर और पूरी आपकी जो लोअर बॉडी है उसके ऊपर ज्यादा, स्पेशली अगर आपको अपने मसल को मजबूत करना है आगे की लाइफ के लिए, अगर पेन फ्री रहना चाहते हो और ये चाहते हो कि
कि कभी भी जॉइंट्स पेन ना हो, हिप पेन ना हो, कमर में दर्द ना हो, सब चीजें स्ट्रोंग बन जाए और आपका फैट भी गेन ना हो। तो इस तरह की एक्सरसाइज आज से ही करना शुरू कर दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, चढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, कम से कम 10 रेपिटेशन आपने ऊपर जाना है, नीचे आना है विद वेट। हाथों में कोई ना कोई आपके वेट होना चाहिए। अगर हाथों में नहीं उठा पा रहे तो कोई कैरी बैग ले सकते हैं, जैसे पिट्ठू बैग होते हैं, उसमें ये वेट डाल लीजिए। कोई भी एक बोतल भर के पानी की वो डाल सकते हैं और उसको ऐसे कंधे पे लेके आपने ऐसे ऊपर चढ़ना है। इस तरीके से फिर नीचे आना है, कम से कम 10 रेपिटेशन वेट के साथ ऊपर नीचे चढ़ा करो। ऐसे तो ऐसे कम से कम 10 रेपिटेशन तो जरूर चढ़े। और कोई वेट लेके, आपके पास वेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी बकेट में कोई गीले कपड़े रख लीजिए, उससे वेट बढ़ जाता है, उस बकेट को लेके आप ऊपर चढ़ सकते हो। और ऐसा ही नहीं, अपने वेट को कम करने के लिए, जब 4-5 साल पहले मेरा वेट ज़्यादा था उसके लिए मैंने भी यही किया है। हालांकि मुझे तो घर के काम होते थे तो मैं उसी में ही अपनी एक्सरसाइज कर लेती, जैसे कपड़े लेके ऊपर जाना, थोड़ा पानी डाल लिया, पौधों को ऊपर पानी देकर आना, तो इस तरह की एक्टिविटी मैं करती रहती, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी मेरा पेट कम हुआ है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जिससे बड़ी जल्दी आपका वेट कम होगा, बस लास्ट की हमारी दो एक्सरसाइज हैं जो कि बहुत ही जल्दी आपके पेट को कम कर देगी, हिप फैट को कम कर देगी, थाई फैट को। इस तरीके से वेट लेना है और बिल्कुल कंफर्टेबल होके, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो एक हाथ के साथ तो पहले आप ये ट्रेनिंग करिए, रोज ऐसे अपनी स्टेयर के साथ इस तरह की प्रैक्टिस करिए, कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करिए। जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाए, आप एक हाथ को रख के कंफर्टेबल होके रह सकते हैं, तो एक हाथ से ऐसे इस तरीके से ऐसे उठाइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ऐसे ही दूसरे हाथ के साथ करेंगे, दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब लास्ट एक्सरसाइज, आप उल्टे हो जाइए इस तरीके से आज की। अब आपने क्या करना है, बॉडी को सीधा रखना है और ऊपर की तरफ लिफ्ट करते रहना इस तरीके से, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आपने रोज करना है। तो 10 रेपिटेशन का आपका एक सेट हो गया। अगर आपके पास टाइम है, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल है सुबह के टाइम, तो दो दो सेट करके जरूर हटिए। लेकिन टाइम कम है तो एक एक सेट सुबह, एक सेट आप शाम को कर सकते हैं। इस तरीके से ये सिंपल सी एक्सरसाइज कर लो फ्रेंड। और जितनी भी लेडीज है जो कहती है कि मेरा टमी बिल्कुल कम नहीं हो रहा, कल भी मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया था, वो कह रही थी 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ वेट कम नहीं हुआ, ये एक्सरसाइज करके देखो, हो ही नहीं सकता कि 1 महीने में असर ना पड़े, कम से कम 3 किलो वेट आपका जरूर जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर ये एक्सरसाइज करने से। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।